नमस्कार। तो कैसी पढ़ाई चल रही है सबकी? ठीक ठाक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समान और असमान गति, तो समझते हैं। चलो इंग्लिश में से कहते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब समझ आ रहा है क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। आपके स्कूल की ड्रेस को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म ही तो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे बच्चों की एक जैसी होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो चलो समझते हैं। मान लो ये हमने लाइन ली टी बराबर 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2, 3, 4। पहली 1 सेकेंड में फिर से आ गए हमारे, कौन आ गए बताओ जल्दी से नाम। शौर्यवर्धन, मेरा फेवरेट नाम। फिर से हमारे शौर्यवर्धन जी आ गए। पहली 1 सेकेंड में चले 20 मीटर, फिर दोबारा चले 0 से ही 40 मीटर, फिर चले 60 मीटर, फिर चले 80 मीटर। तो यहां पे कुछ देख रहे हो? शौर्यवर्धन जी आज आलसी हैं थोड़े से। जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिस स्पीड से चल रहे हैं, उसी स्पीड पे। ये देखो पहली सेकंड में 20 मीटर, दूसरी सेकंड में कितना चला? 20 मीटर ही तो चला दूसरी सेकंड में भी। तीसरी सेकंड में कितना चला? 60 माइनस 40, फिर से 20 मीटर। थोड़े से सुस्त है शौर्यवर्धन जी। फिर तीसरी सेकंड में कितने चले? 80 में से 60, 20 मीटर। आज शौर्य जी को निंटेंडो खेलने को नहीं मिला, तो इसलिए सुस्ता है। धीरे धीरे कदमों से चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप अगर एक बात नोट करो तो क्या है, हर सेकंड में वो कितना चल रहा है? 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, करेक्ट। तो समान समय अंतराल में कितनी दूरी है? समान दूरी है हर बार, तो हम इसे कहेंगे एक समान गति। क्या डेफिनेशन हो गई? समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो तो गति एक समान होती है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट में वो चले कुछ अलग ही है पैटर्न। अब की बार पहली बारी में 20, फिर वो 50 चले, फिर वो 60 चले, 60 नहीं चलो अच्छा ये लगा लो 90 चले, फिर वो कितना चले? 100 मीटर चले। तो पहली सेकंड में 20 मीटर, दूसरी सेकंड में कितना चले? 30 मीटर चला शौर्य। तीसरी सेकंड में कितना चला? 90 मीटर। 50 माइनस 90 मीन्स 40 मीटर चला। चौथी सेकंड में कितना चला? 100 माइनस 90 10 मीटर। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, कुछ समझ आ रहा है? 10 मीटर हम बताते क्या है। शौर्यवर्धन ने घर में फ्लावर पॉट तोड़ दिया, मम्मी पीछे भाग रही है, शौर्य की स्पीड बढ़ती जा रही है, सूर्य की तरह भाग रहा है शौर्य। पहले में 20, फिर 30, फिर 40, बढ़ती जा रही है, फिर बहुत दूर जाके रुका, धीरे हुआ, मुड़ के देखा मम्मी आ रही है या नहीं। तो शौर्यवर्धन जी की क्या है, हर समय अंतराल में चली गई दूरी अलग अलग हो तो हम उसे क्या कहेंगे? असमान गति। देखो यहाँ समय अंतराल कितना है अभी भी, एक 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 सेकेंड। समान समय अंतराल में अगर तय की गई दूरी असमान हो तो गति हमारी असमान होती है। हमेशा याद रखो, मम्मी पिटाई करे तो जैसे भागते हो वो की असमान गति होती है, और मम्मी कुछ काम करने को बोले तो जैसे आप चलते हो बिल्कुल मरे हुए पैरों से उठ के, वो आपकी समान गति होती है, ठीक है। सो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हो तो गति असमान या नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है, यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट है चाल तथा वेग। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, वेग को कहते हैं वेलोसिटी। चाल हमारी एक अदिश राशि है, वेग हमारी एक
सदिश राशि है, इसमें इसका केवल परिमाण होता है, इसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले समझते हैं चाल क्या होती है, ठीक है। तो चाल में हमारा आता है, मान लो कि एक कार है, और ये कार हमारी कौन सी डायरेक्शन में को जाती हुई सी लग रही, इस डायरेक्शन में वो लग रही है, तो नहीं, चलो डिफरेंट कार है, पीछे से लंबी है आगे से छोटी है, इस दिशा में जा रही है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो जा रही है। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, स्पीड से जा रही है, तो इसका मतलब वो एक घंटे में कितना चल रही है, 72 किलोमीटर, या आधे घंटे में कितना चल रही है वो, 36 किलोमीटर। पर क्या हमें पता ये चल रहा है कि किधर को चल रही है, बस इन्होंने बता दिया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, क्या हमें ये पता चला कि किस दिशा में चल रही है, नहीं। तो चाल हमारी क्या बताती है, चाल बताती है कि कोई भी वस्तु कितनी तेज चल रही है, कितनी तेज, या डिसेंट वर्ड बोलो तो कितनी तीव्रता से चल रही है, ये हमारी बताती है चाल। तो अगर चाल की हम परिभाषा निकालें, तो चाल की परिभाषा क्या होगी, एकांक समय में चली गई दूरी हमारी होती है चाल। चाल को कैसे लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से इसका मात्रक क्या आ जाएगा, दूरी मीटर में, समय सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड हिंदी में लिखते हैं सेकंड। डायमेंशंस क्या हो जाएंगे इसकी, विमा क्या हो जाएगी, LT-1। ये नहीं आ रही है तो भाई सेकेंड चैप्टर की वीडियो देखो, मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी होती है माध्य या औसत चाल, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड, नॉट वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। इसे कैसे निकालते हैं, ये होती है कुल दिए गए समय में चली गई कुल दूरी का अनुपात हमारा होता है औसत चाल। तो औसत चाल को हम किससे दिखाते हैं, वी से, और बार, बार निशान दिखाता है आप उसका एवरेज ले रहे हो, कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो आपका यहां से यहां तक V1 दूरी से गया T1 समय में, फिर ऐसे गया V2 दूरी, सॉरी S1 दूरी, ये S2 दूरी चला, फिर ऐसे चला T3 समय में S3 दूरी। अगर आपको उसकी औसत चाल निकालनी है, भाई एक एवरेज ही तो बताओगे ना कि हाँ मोर और लेस इतनी चाल से गए, तो क्या लिखोगे, कुल दूरी S1 प्लस S2 प्लस S3 बटे T1 प्लस T2 प्लस T3, कुल दूरी बटे कुल समय, उससे हम निकालते हैं अपनी औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। तो एग्जांपल ले लो कि आप मेरठ से दिल्ली आ रहे हो, ठीक है, यूपी और दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं, बताना कितनों ने सुना है मेरठ कहाँ है, ठीक है, सबसे पहली आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी वहीं पे। तो मेरठ से दिल्ली आने में आपका करीब करीब कितना है, वो 90 किलोमीटर के करीब करीब आसपास, ठीक है, आने में टाइम आपने लगा लिया कि मोर और लेस 3 घंटे लगेंगे, तो आप हर घंटे में कितना चल रहे हो, आप चल रहे हो 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। पर क्या सच में आप 30 किलोमीटर पर आर ही चलते रहोगे, कहीं आप 10 भी चलोगे, कहीं आप 50 भी चलोगे, जैसे आपको रोड पे ट्रैफिक मिलेगा, रोड पे ट्रैफिक धीरे है तो आप 20 के पे भी चलोगे, रुका हुआ है तो आपकी स्पीड 0 भी हो जाएगी उस टाइम के लिए, खाली पड़ी है तो आप दौड़ा भी लोगे, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि हर अलग अलग समय अंतराल के लिए आपकी जो स्पीड है वो अलग अलग है, तो ये स्पीड से फिर आप क्या करते हो, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, इन सबको जोड़ के और बटे जितनी संख्या थी आपकी उसके बटे उतने ही नंबर से कर दो। मान लो आपकी पहले घंटे में V1 स्पीड थी, दूसरे घंटे में V2, तीसरे घंटे में V3 स्पीड थी, तो एवरेज स्पीड कैसे निकाल दोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 बटे 3 करके आप एवरेज स्पीड बता दोगे, और आप कह दोगे कि हाँ भाई मुझे 3 घंटे लग गए मोर और लेस,
30 की 30-35 की स्पीड पे मैं चलते हुए आ गया। तो ऐसे निकालते हैं हम अपनी औसत चाल। नेक्स्ट आता है हमारा तात्क्षणिक चाल। बड़ा मोटा सा वर्ड, तात्क्षणिक चाल। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक। यहां देखो, क्षणिक मींस पलक झपकते ही जितनी स्पीड है। तो अगर मैं ये पूछूं कि भाई आप चले 7 बजे, 7 बजे आपकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं ये पूछूं 7 बजे के 10 मिनट पे कितनी स्पीड थी, तो आप बता दोगे, ठीक है ना। 10 मिनट का थोड़ा सा गैप है, आप पिकअप भी कर लोगे, स्पीड का आपको आइडिया भी हो जाएगा। अगर ये मैं पूछूं 7 बज के 10 मिनट से 20 सेकंड पे क्या स्पीड थी, फिर मैं पूछूं 7 बज के 10 मिनट के 50 सेकंड पे क्या स्पीड थी, तो बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के लिए आप अपनी स्पीड जो बता रहे हो, जो चाल बता रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक, पलक झपकते, बहुत छोटे 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 उस पर इंस्टेंसेस पे आपकी चाल कितनी है, वो आपकी कहलाती है तात्क्षणिक चाल। उसे हम प्रदर्शित करते हैं फिजिक्स में, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इस चीज को भी हम डी से, ठीक है। तो तात्क्षणिक चाल को हम कैसे दिखाएंगे, वी इंस्टेंटेनियस डी एस बटे डी टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या तात्क्षणिक चाल आप निकालते हो डिफरेंशियल से, पहले ही समझा चुके हैं। तो ये क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टी। तात्क्षणिक कैसे चाल कैसे निकलती है, एस का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हमें निकलती है तात्क्षणिक स्पीड, या इसे कह ले डिफरेंशियल ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टी। आई थिंक ये तो इंग्लिश में ही बोलते हैं, सब मैथ्स में जब सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल तो इंग्लिश में ही बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी या डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाटएवर जो कुछ भी आपका आता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, जो आपकी औसत चाल है, औसत चाल को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा एस बटे डेल्टा टी से। एवरेज को हम फिजिक्स में प्रदर्शित करते हैं डेल्टा एस बटे डेल्टा टी से। तो ये आपकी चाल के 3 फॉर्मूले हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, और तात्क्षणिक चाल डिफरेंशियल ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ टी। अब समझते हैं गति क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा वेग क्या होता है, तो बताइए भाई, चलो वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। हमने बताया विस्थापन हमारा सदिश राशि है, तो वेग भी हमारा क्या हो गया, सदिश राशि। तो इसे कैसे लिखते हैं, वेक्टर v बराबर वेक्टर s y t। एकांक समय में चला गया विस्थापन वेग के बराबर होता है। अगर हम t बराबर 1 रखते हैं तो v बराबर क्या हो जाएगा, s। तो परिभाषा क्या आएगी, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, औसत वेग या माध्य वेग, औसत वेग या माध्य, इंग्लिश में से भी क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर वी, बार तो लगा नहीं सकते, वेक्टर लगा होगा तो हम यहां एवरेज लिख देते हैं, ठीक है। कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी से।
अब यहाँ पे कुल विस्थापन, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, विस्थापन क्या है, सदिश है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। कुल दूरी निकाल रहे थे तो सब जोड़ दे रहे थे सीधा, विस्थापन निकालोगे तो क्या है, ऐसे जा रहे हो फिर ऐसे जा रहे हो फिर ऐसे जा रहे हो ऐसे, तो ये क्या हो गया प्लस प्लस प्लस, और ये क्या हो गया माइनस। तो ध्यान रख के करना है, विस्थापन दिशा के साथ आता है, ठीक है। तो विस्थापन हमारा जीरो हो सकता है, इसका मतलब वेग भी हमारा जीरो हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है तो वेग भी ऋणात्मक हो सकता है। तो यहां से एक डिफरेंस क्या पता चल गया, चाल हमेशा अशून्य होगी या धनात्मक होगी, ठीक है, अशून्य और धनात्मक होगी, पर वेग धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। मान लो आप अपनी गाड़ी को पूरा एक गोल चक्कर में चला के यहीं आ गए, तो आपकी चाल तो है उस गाड़ी की, पर वेग क्या हुआ उसका, जीरो, क्योंकि विस्थापन क्या हो गया, प्रारंभिक अंतिम बिंदु सेम हो गया, तो विस्थापन आपका क्या हो गया, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगेन तात्क्षणिक, इंटरेस्टिंग सा वर्ड है ना, तात्क्षणिक वेग, जैसे महाभारत में शुद्ध हिंदी बोलते थे उस टाइप वाला वेग, मजाक नहीं बना रही हूं, आई लव हिंदी, मीन्स टेन टेनियस वेलोसिटी, ये क्या हुई तात्क्षणिक वेग, एक छोटे से इंस्टेंट के लिए जो आप वेग निकालोगे, वी इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, डीएस बटे डी टी, तो ये फॉर्मूले हो गए हमारी वेग के लिए। अब वेग में हमारी एक चीज और आ जाती है, एक होता है एक समान वेग, एक होता है परिवर्तित वेग, वो भी समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। एक हुआ हमारा एक समान वेग, इंग्लिश में क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, हमने आपको बताई थी ना एक समान गति, समान समय में समान समय अंतराल में समान दूरी वो तय करता है, तो समान समय अंतराल में समान विस्थापन हमारा हो रहा है तो वेग हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, समान समय अंतराल में समान विस्थापन, तो सब वेग भी हमारा क्या होगा, एक समान। समझते हैं कैसे, देखो यही देख लो उसी चीज को दोबारा से, अगर हम कर दें जीरो दो तीन चार पांच, हर सेकंड में दूरी विस्थापन कितना है, वेग है तो विस्थापन बोलेंगे, 20 मीटर 20 मीटर, तो पहले सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या हो गई, वेग क्या हो गया, 20 बटे 1 20 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड के लिए भी क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड के लिए भी, समय अंतराल तो चार में से तीन का एक सेकंड है ना, 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, तो वेग क्या है हर समय अंतराल में, समान, तो एक समान वेग हमारा कब होगा, जब समान समय अंतराल में विस्थापन समान हो तो हमारा वेग हो जाएगा यूनिफॉर्म या एक समान वेग। नेक्स्ट हमारा आएगा क्या आएगा, परिवर्तित, परिवर्तित बोल लो या असमान बोल लो, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समझ पा रहे हो, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो चेंज होता रहता है, घटना बढ़ना कुछ भी हो सकता है, उसे हम कहेंगे वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म भी वही चीज है, जो यूनिफॉर्म ना हो चेंज होता रहे उसे, सो वेरिएबल को हो या नॉन यूनिफॉर्म को हो, तो इसमें क्या होगा, समान समय अंतराल में असमान विस्थापन, असमान विस्थापन हो तो हमारा वेग क्या होगा, परिवर्तित वेग या वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेग। अब इसमें देखो एक और चीज आ जाती है, इस चीज में हमारा जो ये परिवर्तित वेग है इसके लिए तीन फैक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि जो वेग है वो आपकी दिशा और परिमाण दोनों पे निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर आपका परिमाण तो बदल नहीं रहा पर क्या दिशा बदलती जा रही है बार बार, तो हम क्या कहेंगे उसे, परिवर्तित वेग,
केवल दिशा बदल रही है। गाड़ी आपकी 20 की स्पीड पे जा रही है, पर गाड़ी कैसे जा रही है? ऐसे 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 ऐसे, तो आपकी दिशा बदलती जा रही है। स्पीड सेम ही है पर दिशा बदल रही है। तो केवल दिशा बदल रही हो और परिमाण समान हो तो भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक परिवर्तित वेग है। दूसरा, केवल परिमाण बदल रहा हो, सेम एग्जांपल, शौर्यवर्धन जी तोड़ के भागे थे ना, सीधी लाइन में जा रहे थे, तो दिशा उसकी सेम थी पर वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही थी। तो केवल परिमाण बदल रहा हो, दिशा ना बदल रही हो। तीसरा क्या आ जाएगा? परिमाण तथा दिशा दोनों बदल रहे हैं, दोनों बदल रहे हो या चेंज हो रहे हैं, तो हमारा भी परिवर्तित वेग होगा। परिमाण और दिशा दोनों बदल रहे हो। सबसे अच्छा एग्जांपल दिल्ली की सड़कें, धीरे तेज बड़ा जाम तो बैठ जाओ, डायरेक्शंस बदलती रहती हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते रहते हो, ठीक है? तो डेली लाइफ के एग्जांपल से समझोगे तो उतना ही आसान लगेगा, चीजें याद रहेंगी। एग्जांपल्स, अपने एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करो जिससे तुम्हें याद रहे, ठीक है? तो चलो अब देखते हैं चाल और वेग में क्या अंतर होता है। चाल हमारी क्या है? अदिश राशि। वेग क्या है? सदिश राशि। राशि सा लग रहा है, राशि, सदिश राशि। दूसरा क्या आ जाएगा? चाल हमारी क्या बताती है? केवल तीव्रता को, केवल तीव्रता। ये क्या बताती है? तीव्रता, कितना तेज चल रहा है, प्लस उसकी दिशा, ठीक है? चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होगा? विस्थापन बटे समय। चाल हमेशा क्या होगी? अशून्य तथा धनात्मक। वेग क्या होगा? क्योंकि विस्थापन पे निर्भर कर रहा है, तो विस्थापन हमारा जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए वेग भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव या अशून्य हो सकता है, ठीक है? अब हमारे विस्थापन और दूरी में क्या रिलेशन था? रिलेशन था हमारा दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू विस्थापन। तो ऐसे ही पांचवा नहीं, रिलेशन लिख लेते हैं, तो क्या होगा? चाल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेग, या क्या लिख सकते हो? चाल बटे वेग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, अगर कोई इनका अनुपात पूछे तो। दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड, हिंदी में लिखे हैं सेकेंड। लिमिट क्या होती है? एलटी माइनस वन। तो ये हो जाती है आपकी समानताएं और डिफरेंस आपके चाल और वेग में क्या होते हैं। ओके, तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास फिर से शौर्यवर्धन जी हैं, ये रहे हमारे शौर्यवर्धन जी। तो दिशाएं बना लो, पहले पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो शौर्यवर्धन जी पहले 10 सेकंड में पूरब की ओर चले 20 मीटर, कितने टाइम में? 10 सेकंड में। फिर यहां पहुंच गए, कुछ याद आया, उल्टे मुड़ लिए, फिर 5 सेकंड में चले 15 मीटर, ठीक है? तो अब हमसे पूछा है इन शौर्य जी का औसत वेग और औसत चाल बताइए, ठीक है? तो सबसे पहले चलो निकालते हैं औसत चाल। औसत चाल हमारी क्या होती थी? कुल दूरी बटे कुल समय।
कुल दूरी कितनी हुई 20 मीटर फिर 15 मीटर, टोटल दूरी हुई 35 मीटर। कुल समय कितना हुआ 10 सेकेंड फिर 5 सेकेंड 15 सेकेंड, तो 3 × 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो आंसर हो गया भाई, सेकेंड हिंदी में लिखना होता है, आदत सुधर नहीं रही। नेक्स्ट हमें निकालना है विस्थापन कितना होगा, विस्थापन निकालो भाई। नेक्स्ट निकालना है औसत वेग कितना होगा, औसत वेग या माध्य वेग या एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कुल विस्थापन बटे कुल समय। देखो समय हमारी सदिश राशि नहीं है तो समय हमेशा जुड़ जाएगा जितना भी है टोटल सब। एक दो समय कितना हुआ 10 सेकंड 5 सेकंड 15 सेकंड, ठीक है। विस्थापन निकालो, पहले वो पूर्व की तरफ को चला 20 पूर्व की तरफ, ये डायरेक्शन प्लस एक्स में आ रही है, फिर वो पश्चिम की तरफ को चला माइनस डायरेक्शन हो गई माइनस 15 5/15 1/3 तो कितना आएगा 0.339 सॉरी भाई यहां भी 3 आएगा 9 मीटर प्रति, फिर से मीटर प्रति सेकेंड। तो अब इसकी दिशा निकाले, तो दिशा यहाँ पे क्या आ रही है देखो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो वेग की दिशा हमारी क्या आई पूर्व दिशा की ओर, देखो ना ऐसे जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, ऐसे जाते हैं तो नेगेटिव आता है, आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब दिशा क्या है पूर्व दिशा की ओर आंसर। इन्होंने कहा एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष बचे भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल की गणना ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल हमारी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। अब हमने मान ली कि हमारी टोटल दूरी कितनी है x है, ठीक है, और इन्होंने कहा कि इसके आधे भाग को कुछ समय में और आधे भाग को कुछ और चाल के साथ वो चलता है, तो ये आधा भाग हो गया, इतना चला इसने t1 समय में और इतना चला t2 समय में। इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी सॉरी उसकी स्पीड कितनी है, चाल कितनी है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं दूरी यहां कितनी हुई, पहले आधे भाग को चलने में समय t1, दूसरे आगे आधे भाग को चलने में समय t2। तो निकालो पहले आधे भाग में लिया गया समय कितना हुआ t1, t1 कैसे निकालेंगे दूरी बटे समय सॉरी दूरी बटे चाल। तो t1 के लिए दूरी कितनी है x/2, चाल कितनी है 40, तो ये हो गया x/80 आर, किलोमीटर पर आर है ना तो इसलिए ये आर। दूसरे आधे भाग में लिया गया समय t2 है, फिर से दूरी बटे चाल, दूसरे आधे भाग के लिए दूरी कितनी है x/2, ये क्या है x, यहां चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब क्या हो गया x/120 आर, समय मिल गया हमें इतना चलने में t1 समय इतना चलने में t2 समय, कुल समय मिल गया, कुल दूरी हमने मान ली x है तो औसत चाल निकाल दो, ऐसे तो लिखते ना औसत चाल, कुल दूरी लिखो x, कुल समय लिखो x/80 + x/120, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से x, x/40 कॉमन ले लो
एक बटे दो प्लस एक बटे तीन, x से x कैंसिल, 40 गया ऊपर, 6 3 प्लस दो, 6 गया ऊपर, 40 गुणा 6 बटे 5, 5 अटे 40, 8 छे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आपकी औसत चाल। अगर इस न्यूमेरिकल को आप पहले ही देख क्या कर देते, औसत चाल निकाल लिया भाई, दोनों का एवरेज ले लो, 60 प्लस 40 बटे 2, 50 आंसर। रॉन्ग। आपको क्या निकालना है, कितनी दूरी कितने समय में। तो पहले आपको दूरी निकालो और समय निकालो, क्योंकि हर बार दूरी अलग है, समय उसका कुछ और अलग में दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा एचसी वर्मा बुक से है। इन्होंने कहा एक मनुष्य 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद का 1 किलोमीटर वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, इस पूरे 2 किलोमीटर में उसकी औसत चाल निकालें। एग्जैक्ट जो हमने अभी करा पहले, है ना। पहला 1 किलोमीटर किस चाल से चला, ये 1 किलोमीटर पहला वो चला 6 किलोमीटर पर आवर से। फिर दूसरा 1 किलोमीटर किस चाल से चला, वो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें लगा समय और इसमें लगा समय, T1 निकाल दो। पहला 1 किलोमीटर चले गए में लिया गया समय, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, 1 बटे 6 आर। T2 कैसे निकालेंगे, दूसरे 1 किलोमीटर में लिया गया समय, दूरी बटे चाल, 1 बटे 8 आर। औसत चाल कैसे निकालेंगे, बी एवरेज बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। कुल दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। डेल्टा टी कुल समय कितना है, 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 8, करेक्ट 2, 48, 6 बटे 48, 8 छे 48, 48 गुणा 2 बटे 8, 6 14, 2 7 मोर और लेस इक्वल्स टू 7 किलोमीटर पर आर उसकी औसत चाल हो जाएगी। ये बुक है हमारा एचसी वर्मा जी की बुक, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट भी एचसी वर्मा बुक से। इन्होंने कहा एक लेक्चर हॉल का स्टेज 40 फीट चौड़ा है। स्टेज हमारा कैसा है ये मान लो, इसकी चौड़ाई क्या है, ये चीज 40 फीट है यहां से लेके यहां तक की। एक शिक्षक दोपहर 12 बजे दरवाजे से हॉल में प्रवेश करता है। ये आगे यहाँ पे दरवाजा है, यहां से हमारे टीचर जी आ गए पढ़ाने के लिए, ठीक है। एक हाथ में बुक है, एक हाथ में डंडा। डंडे वाले टीचर तो आजकल होते नहीं है, लक्की हो तुम सब लोग। कितने बजे एंट्री करी, 12 बजे, ठीक है। चलती हम पढ़ाने के सिलसिले में 10 बार उस 40 फीट की चौड़ाई के इस किनारे से उस किनारे तक, ध्यान से सुनो, 10 बार 40 फीट की चौड़ाई से इस किनारे से उस किनारे तक और वापस उस किनारे से इस किनारे तक घूमते हैं। तो जब हमारे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं तो चक्कर घिरनी बने हुए हैं। कितने टीचर्स देखे हैं तुमने, पढ़ाते पढ़ाते घूमते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यहां से यहां तक गए और यहां से यहां तक गए, ऐसे एक पूरा चक्कर हो गया। और ऐसे इन्होंने कितने चक्कर मारे, 10 चक्कर, ठीक है। अंत में 12:50 बजे क्लास समय खत्म होने पर दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। बाहर कब आए, 12:50 पे, ठीक है। उनकी औसत चाल तथा औसत वेग निकालिए, ठीक। चलो भाई लग जाओ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय। समय देखो कितना है, कुल 12 बजे एंट्री करी थी, 12:50 पे बाहर आ गए, तो समय कितना है, 50 मिनट। डेल्टा टी हमारे पास क्या है, 50 मिनट। दूरी देखो अब निकालिए दूरी, इसकी चौड़ाई 40 फीट है। इन्होंने 10 चक्कर लगाए 50 मिनट में पढ़ाते पढ़ाते। एक चक्कर में कितनी दूरी चले, 40, 40 कितनी दूरी हो गई, 80 फीट।
तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा एस क्या हो जाएगा 40 प्लस 40 और कितने चक्कर हैं 10, तो ये 80 गुणा 10 मास्टर जी 800 फीट चल लिए 50 मिनट में। बिल्कुल स्लिम ट्रिम मास्टर जी हैं, तभी तो वॉकिंग जो होती रहती है कंटिन्यूअसली। औसत चाल अब निकालो, औसत चाल हो जाएगी 800 बटे 50, 5×5 3 16 फीट पर मिनट, ये है औसत चाल। सेकेंड इन्होंने हमें कहा औसत वेग, वी एवरेज निकालना है, इसे क्या कहते हैं औसत वेग। फॉर्मूला क्या है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल समय तो यहां पे भी इतना ही है, डेल्टा टी आपका क्या है 50 मिनट। अब विस्थापन देखो कितना है, मास्टर जी कैसे गए, चलो मान लो यहां से निकल चलना शुरू किया, ये डायरेक्शन प्लस होती है ये डायरेक्शन माइनस होती है, तो एक चक्कर लगाने में वो ऐसे गए प्लस 40 फीट, फिर वापस आए माइनस 40 फीट, क्योंकि एक चक्कर का मतलब क्या है, जहां से आए जहां से शुरू किया वहीं पे आके खत्म हुआ, तो कुल विस्थापन कितना हुआ 40 माइनस 40 जीरो, तो डेल्टा एस हमारा क्या हो गया जीरो, तो औसत भी क्या हो गया हमारा जीरो बटे 50 जीरो, तो इसका मतलब मास्टर जी का तो कोई औसत वेग था ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे हमेशा ध्यान रखो, जब आप औसत वेग निकालो तो उसमें दिशा का ध्यान रखो, जब भी आप राइट हैंड साइड तरफ जाते हो प्लस, लेफ्ट हैंड साइड तरफ जाते हो माइनस, या अगर कुछ और आप मान रहे हो तो वो लिख दो कि इस दिशा में हमने पॉजिटिव मान लिया, आपने कहा कि भाई आपके मास्टर जी ने यहां से शुरू करा तो आपने इसे पॉजिटिव मान लिया, फिर यहां से वो यहाँ पे आके खत्म कर रहे हैं, इसे आपने नेगेटिव मान लिया, तो आप लिख दो उस चीज को, नहीं तो हमेशा रिमेम्बर जब हम अपनी एक्स एक्सिस बनाते हैं ना, ये प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये क्या राइट हैंड साइड प्लस, लेफ्ट हैंड साइड माइनस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा एनसीईआरटी से है, इसमें इन्होंने कहा कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल जाता है, तो ये ऐसे है, ये उसका घर मान लो, यहाँ बाजार मान, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2.5 किलोमीटर और वो पैदल जाता है, और क्या चाल है इस टाइम पे उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा, परंतु बाजार बंद देखकर उसी क्षण वापस मुड़ जाता है 7.5 किलोमीटर पर आर की चाल से घर लौटता है। अब वो यहां से वापस मुड़ गया, फिर से घर वापस आया, पर इस टाइम पे चाल कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आर। समय अंतराल 0 से 30, 0 से 50 और 0 से 40 मिनट की अवधि में उस व्यक्ति के माध्य वेग का परिमाण तथा माध्य चाल बताइए क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि उसे कितना टाइम लगा जाने में, कितना टाइम लगा आने में, बाजार जाने में लगा, खुद से भी सॉल्व करके देख लो, वीडियो पॉज कर लो, एक बार सॉल्व करो, सॉल्व कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाजार जाने में लगा समय हमने मान लिया टी वन, कितना होगा दूरी बटे चाल 2.5/5, पांच 1/2 आर, मीनिंग 30 मिनट्स। अब बाजार से घर वापस आने में लगा समय, बाजार से घर वापस आने में लगा समय हमने मान लिया T2 है, तो T2 कितना हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी क्या है 2.5, चाल क्या है 7.5, 25 × 75 1/3 आर, 1/3 मान घंटे का कितना हो जाएगा 20 मिनट, तो कुल समय कितना लगा
कुल समय टी बराबर टी वन प्लस टी टू, घर से बाजार, बाजार से घर आने में कुल समय लगा उसे 30 प्लस 20 बराबर 50 मिनट। अब इन्होंने हमसे पूछा है पहला क्या निकालना है हमें कि 0 से 30 मिनट में औसत चाल और औसत वेग 0 से 30 मिनट में निकालना है। तो 0 से 30 मिनट हमारा कहां आ रहा है, 30 मिनट, मीनिंग वो घर से केवल बाजार तक गया अभी, इतने टाइम पीरियड के लिए हमें क्या निकालनी है उसकी औसत चाल क्या होगी और उसका औसत वेग क्या होगा। तो निकालो पहले औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी को कितनी हुई पहले 30 मिनट में, घर से बाजार तक गए 2.5 किलोमीटर और टाइम उसे कितना लगा 30 मिनट, 30 मिनट जैसे आप क्या कह दो आधा घंटा लिख सकते हैं ना, तो किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ जाएगा 25 × 50 5 किलोमीटर पर आवर आंसर। अगर आपको निकालनी है इसमें औसत वेग, औसत वेग क्या होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय मींस डेल्टा एस वेक्टर बटे डेल्टा टी, यहां से यहां तक जाने में कुल विस्थापन कितना है 2.5 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 30 मिनट, वही 1.5 आवर 5 किलोमीटर पर आवर आंसर। नेक्स्ट इन्होंने पूछा हमें बताना है 0 से 50 मिनट के अंतराल में, 0 से 50 मिनट में औसत चाल निकालो पहले। तो औसत चाल किससे लिखते हैं, ऐसे डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। 0 से 50 मिनट देखो टोटल टाइम 50 मिनट, वो घर से चले बाजार तक गए, बाजार से चले फिर घर वापस आ गए, कितनी दूरी तय करी कुल 2.5 किलोमीटर, फिर 2.5 किलोमीटर, तो टोटल दूरी हो गई 2.5 प्लस 2.5, कुल समय कितना लगा 30 मिनट जाने में 20 मिनट आने में 50, तो 5 बटे 50 ये आपका किलोमीटर में है और ये आपका मिनट में है, तो बेटर इसे मीटर में कर लेते, मीटर में हो जाएगा 5000 मीटर बटे 50 मिनट, मिनट नहीं इसे भी फिर सेकंड करना पड़ेगा, ओके 60 मीटर प्रति सेकंड में अब आपका आंसर आ जाएगा 0, 0, 5, 100, 10 बटे 6, 5/3 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई आपकी औसत चाल। अब निकालो औसत वेग, वी एवरेज क्या लिखते हैं डेल्टा एस वेक्टर बटे डेल्टा टी। अब इसमें एक चीज देखो, समय तो कितना लग रहा है 50 मिनट, डेल्टा एस कितना होगा विस्थापन कितना होगा 50 मिनट, वो यहां से बाजार गए बाजार से घर आ गए, शुरू पूरा चक्कर खत्म, जहां से शुरू हुए थे वहीं आ गए, तो विस्थापन कितना हुआ प्लस 2.5 माइनस 2.5 0, तो आपका वेग भी कितना हो जाएगा 0 आंसर। नेक्स्ट इन्होंने पूछा थर्ड में 0 से 40 मिनट में कितना औसत चाल है और कितना औसत वेग है। तो अब देखो 0 से 30 में तो घर से बाजार गए थे, 0 से 50 में घर से बाजार, बाजार से घर वापस, पर ये 40 कहीं बीच में है, तो 40 में क्या होगा 0 से 30 पहले 30 मिनट में तो बाजार गए, फिर बाकी के 10 मिनट में उन्होंने कितनी दूरी तय करी वो भी तो निकालना पड़ेगा ना हमें। देखो भाई ये तो हमें पता है ये घर है ये बाजार है, घर से बाजार तक उन्हें लगी 30 मिनट जो हमने निकाल ली, फिर बाजार से घर तक लगी उन्हें 20 मिनट, अब ये पूछ रहा है 40, तो 30 मिनट तो बाजार जाने में लगी, बाकी बची 10 मिनट, तो 10 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी वो हमें निकालना है। अब वो 10 मिनट में कहां तक आए वो निकालना है, 10 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, जब वो वापिस आ रहे थे तो उनकी चाल क्या थी 7.5 किलोमीटर पर आवर 7.5, वापिस आने में समय कितना लगा 10 मिनट,
दस मिनट, यहाँ पे चाल हमारी क्या है घंटे में, मिनट को भी घंटे में बदलोगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करो तो 15 चौका 60, 15 5 75, 5/4, 1.25 किलोमीटर, ठीक है। तो बाकी के अगले 10 मिनट में वो कितना चले, 1.25 किलोमीटर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है, 2.5 किलोमीटर। वैसे कि ये बहुत कॉमन सेंस भी थी कि 1.25 जाता कैसे, वापस आने को नहीं कितना टाइम लगा, 20 मिनट, हमें बाकी के बच्चे 10 मिनट, तो 20 मिनट में जब 2.5 है तो आधे टाइम में 10 मिनट में 1.25 हो जाएगा। चलो अब निकालते हैं औसत चाल, औसत चाल कितनी होगी, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, कुल दूरी कितनी हुई, 2.5 प्लस 1.25, कुल समय कितना है 40 मिनट, यहां से यहां तक 30 मिनट, यहां से यहां तक 10 मिनट, 40 मिनट। अब क्योंकि ऊपर किलोमीटर में, या तो इसे मीटर में बदलो, नीचे वाले को फिर सेकंड में बदलो, या तो मैं एक काम करो इसे किलोमीटर में रहने दो, इसे मिनट को भी घंटे में बदल दो, घंटे में बदलेंगे तो क्या कर दो 1/60, ठीक है। तो यहां कितना आया, 3.75 × 6/4। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट औसत वेग, मींस वी एवरेज निकालना है आपको, वो क्या होता है, डेल्टा एस विस्थापन बटे कुल समय, कुल समय यहां पे 40 मिनट है गुणा 1/60 घंटे, 40/60 4/6 घंटे लगे। विस्थापन देखो अब कितना है, घर से बाजार 2.5, बाजार से घर, अगर हम इसे पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, तो -1.25, तो यहां क्या आया 1.25/40×60, ठीक। तो जब आप सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा, कर लेना भाई, हमने देख लिया 5.625 किलोमीटर प्रति आर आंसर। तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला। कोई यात्री किसी नए शहर में आया है और वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर है जाना चाहता है। कोई बेमान टैक्सी वाला 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल में पहुंचाता है। टैक्सी की औसत चाल तथा औसत वेग का परिमाण क्या होगा, क्या वे बराबर होंगे, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये यहाँ पे मान लो स्टेशन है और यहाँ पे आपका होटल है, इन्होंने कहा कि होटल यहां से सीधा 10 किलोमीटर की दूरी पर जो टैक्सी वाला है वो उस इंसान को घुमा घुमा के ऐसे लेके आया और कितना चला वो 23 किलोमीटर, और इतना चलने में उसने टाइम कितना लिया 28 मिनट लिए। तो हमें बताओ औसत चाल क्या होगी और औसत वेग क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं, कुल समय है हमारे पास डेल्टा टी 28 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि ये किलोमीटर में, तो इसे घंटे में चेंज कर लो, सी बटे 60, सो 2, 9, 30, 19/30 घंटे हो गए, तो इसे घंटे में चेंज कर लो। सबसे पहले क्या आएगा 28/60 hours, 14/37/15 hours, तो ये तो हमारे हो गए घंटे कुल समय। अब निकालते हैं औसत चाल, औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल ये बार दिखाते थे ना, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। अब यहां पे हम कुल दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी क्या होती थी और औसत वेग भी निकालना है, तो दूरी होती थी जो लंबा सा रास्ता लेते थे, वेग में क्या आएगा हमारा विस्थापन, विस्थापन क्या होता था छोटा रास्ता, तो दूरी कैसे निकालेंगे 23/7/15, 23×15/7
इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 49.3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो लेके गया। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा औसत वेग बताओ। वेग क्या होता है? एवरेज, डेल्टा एस विस्थापन बटे डेल्टा टी। विस्थापन क्या होता था? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी। सबसे छोटी दूरी क्या है यहाँ पे? 10 किलोमीटर। बस यही कैच है न्यूमेरिकल का। तो यहाँ विस्थापन क्या लेंगे आप? 10 किलोमीटर। समय कितना है? 7/15, 150/7, 7 × 14, 7 × 7, 7 × 21 किलोमीटर पर आर उसकी औसत वेग हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा क्या औसत चाल और औसत वेग बराबर है? नहीं, दोनों अलग अलग है, क्योंकि दूरी कितनी है? 23 किलोमीटर। और विस्थापन क्या होता है? सबसे छोटी दूरी 10 किलोमीटर। अगर आपने यहाँ पे ये कर दिया ना, 23 + 10 सब गुड़ होगा, 0, अंडा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और ये वाली यूनिट हमारी थोड़ी लंबी होगी, हर टॉपिक को बिल्कुल डीप में जाके अच्छे से समझेंगे उसे। ये टॉपिक बिल्कुल आपके दिमाग में ना बैठ जाए एंड तक तो बात करना, ठीक है? और अपने आस पास के एरिया में जो भी कोचिंग सेंटर है उनसे नोट्स मिला के देख लेना, उसी लेवल के ना हो तो बोलना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।